बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ दोस्तों। ऐसी वीडियोस और ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, फाइंड करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से ऐसी न्यूज़ और ऐसी ख़बरों से फ़ायदा उठाने की कोशिश किया करें। और जो जो मैं कहता हूँ, जिस न्यूज़ के बारे में कि ये कहाँ पर सीता लेना है, क्या तरीकाकार है, वो अब आपका काम है। मैं तमाम चीज़ें आप लोगों को इसमें फाइंड करके बता देता हूँ। और यहाँ तक बात है आपका अप्लाई करने का और तमाम डिटेल का। आपको मालूम है कि हर एक अयोध्या और हर एक ख़बर का मैं लिंक हमेशा प्रोवाइड करता हूँ। लिंक अगर मुझे वीडियो में बताना ना भी याद रहे तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होता है। जो भी मैं अमदाद की वीडियो का आपको नॉलेज देता हूँ या कोई भी और न्यूज़ जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उसके बारे में मैं लाजमी तौर पे आप लोगों के साथ लिंक शेयर करता हूँ, ताकि आप सेटिस्फाई हो सकें कि ये न्यूज़ बिल्कुल रियल है। इस वजह से जो बातें मैं इसमें बताता हूँ, वो गौर से सुना करें। उसके बाद दोस्तों, जो सीता लेना है, आपने डॉक्यूमेंट्स ले के जाने हैं, वो अब आपका काम है, वो मैं नहीं कर सकता। अगर आप बाद में मुझे कमेंट में कहें कि ये मिलती नहीं है, या ये नहीं होती, या वो नहीं होती, या सेपे वाले कहते हैं ये है नहीं, बाज़ अवकात ऐसे होता है आज एक कानून पास हुआ है, आप अगले दिन ही सीता ले के चले जाते हैं, या 3 दिन के बाद थोड़ा सा टाइम होता है उसमें जब तक वो कानून का हिस्सा बनता है। इस वजह से चंद दिन के बाद जो है वह जाकर, आप ये जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, ये जो आप लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो भी आप क्लिक करके पढ़ सकेंगे। फ्रेश अयोध्या है, फ्रेश न्यूज़ है, इसका आप इम्प्लीमेंट होते हो तो 2-3 दिन लगेंगे। इस वजह से अयोध्या मिल रही हैं, लोग ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं ले रहे, ख़ास तौर पे जिनकी फैमिलीज इधर हैं वो थोड़ी सी एक्टिव रहें, अयोध्या मिल रही हैं और लोग अप्लाई कर रहे हैं और अब काफ़ी ज़्यादा मुतहरक हुए हैं। जो दोस्तों के अभी तक रेंता डिक्लेयर नहीं हुआ, रेंता लाजमी तौर पर अपना डिक्लेयर करें, क्योंकि तमाम अयोध्या में रेंता बहुत कलीदी किरदार अदा कर रहा है। अब ये जो मैं अमदाद की आप लोगों के लिए आज वीडियो लेके आऊँ, इसमें आपको ईयर पेफे के बारे में जो है अमदाद का ऐलान किया गया है। ईयर पेफे क्या है? ईयर पेफे वो है जो फैमिली की डिडक्शन हर साल हुकूमत सिंधी की सूरत में लेती है। अगर आप एरेते पे हैं, आपको कुछ पैसे सिंधी को देने आए हैं, तो ये अमदाद आप भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको तमाम ईयर पेफे वापस आ जाएगा। इसी तरह अगर आम जो फैमिली के मेम्बरान हैं या इंडिविजुअल हैं जो यहाँ पे रहते हैं, अगर सिंधी को आपको देने पैसे आते हैं, आप उनको देते हैं, तो आपको ईयर पेफे की सूरत में वापस आएगा। अगर नहीं भी, तो आप इस अमदाद को अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसमें आपका डिपेंड करेगा रेंता, रेंते की सूरत में आप इस जो ये अमदाद है ये अप्लाई कर सकेंगे। अच्छी अमदाद है ये, आपके रेंते की सूरत में आपको फ्लेक्चुअल करेगी, फिक्स नहीं है। हर इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल फ़र्द की जो है वो रेंते को देखते हुए ये अमदाद जो है उसको दी जाएगी। इस वजह से हर एक पर्सन का ये इंडिविजुअली डिफरेंट होगा, यानी कि वो अमदाद जो उसको मिलेगी वो डिफरेंट मिलेगी, दूसरे शख्स की तरह नहीं मिलेगी। अगर किसी को 400 मिली है, तो किसी को 500 मिलेगी, किसी को 600 मिलेगी, किसी को 200 मिलेगी, उसके रेंते की सिचुएशन के मुताबिक और फैमिली मेम्बरान की सिचुएशन के मुताबिक उसको ईयर पेफे और अमदाद में ये डिडक्शन और अमदाद दी जाएगी। तो दोस्तों, इसका लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करें, रीड करें और अप्लाई करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।